हेलो हेलो, वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी का रेफरेंस ले तो आज से लगभग 1370 करोड़ साल पहले हाइड्रोजन का जन्म हुआ, मोर प्रिसाइजली बिग बैंग होने के 50,000 साल बाद। और अगर लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो जो कि 4 साल पहले 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, जहाँ पे उन्होंने मेटास्टेबल मेटालिक हाइड्रोजन की खोज की है। तो ये बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, मतलब कहाँ बिलियंस ऑफ ईयर्स और कहाँ ये तुरंत, मतलब लेटेस्ट बात। इसलिए ये बहुत वास्ट होने के साथ साथ एक एडवेंचरस ट्रिप भी हो सकता है आज का वीडियो, तो ध्यान से समझिए। तो इसके ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स का लगभग 70% से ज़्यादा हिस्सा हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड है। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में हाइड्रोजन का एटम थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मतलब थर्ड मोस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और अगर मास के हिसाब से बात करेंगे, जो कि हाइड्रोजन बहुत ही लाइट वेट होता है, तो मास के हिसाब से उसका 10th रैंक आता है अर्थ के एबंडेंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप श्योरली बोल सकते हैं। अगर हम इसकी पोजिशन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की पोजिशन इन पीरियडिक टेबल, तो प्रॉब्लम क्या है कि ना हम उसको मेटल्स में डाल सकते हैं ना नॉन मेटल्स में, और एक तरह से दोनों का ही काम करता है। मतलब अगर हम बात करेंगे मेटल कैसे हो गया, कोई भी स्पेसीज अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, जैसे हाइड्रोजन, उसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है बस, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो सिर्फ वो क्या बन जाता है, एक प्रोटॉन बन जाता है, जस्ट अ प्रोटॉन। तो वो अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी स्टेबल हो सकता है, बल्कि वो चाहता नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्योंकि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है ना उसके बाद में, पर फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s1। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या हो जाता है, अपने आप के उस मतलब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल से बाहर निकल जाता है। अगर आप उसको मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो रेयर केस में, तब वो मेटल के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है और हाइड्राइड आयन बन जाता है, उस केस में उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन लेने से वो क्या बन जाता है 1s2, इस तरह से वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन बना लेता है। अब वो प्रीफर करता है शेयरिंग, जहाँ पे वो मोस्ट स्टेबिलिटी दिखाता है। मतलब अगर हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो डाइहाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करके शेयरिंग करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, और H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हमें मिलता है। नाउ अगर हम उसकी फ्री स्टेट की बात करें तो जनरली वो फ्री स्टेट में डाइहाइड्रोजन फॉर्म में ही होता है। अगले बात है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के आइसोटोप्स आते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जहाँ पे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो उसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, और एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन्स होती है। ये बहुत रेयर होते जाता है, मतलब ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये बहुत रेयर केस में मिलते हैं, ट्रिटियम तो बहुत ही रेयर केस में मिलता है, हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट है। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे पता चला। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें हाइड्रोजन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।